1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अभी हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया और अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख दी है। आज जगदीश टाइटलर के खिलाफ जो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है, जो 3 सिखों के मर्डर का केस है, और उसकी आज तारीख थी कोर्ट में, मगर आज कोर्ट में कंप्लीट फाइलें नहीं पहुंची। जो उन्होंने पहले क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी 2007 में, वो आज कोर्ट के पास नहीं थी। कोर्ट ने उस फाइल को मंगवाया है और कोर्ट ने 6 जुलाई की डेट दी है। अब 6 जुलाई को कोर्ट अगली इसमें कार्रवाई करेगी। अब इसमें ये 3 सिखों के कत्ल का केस है, मगर इसमें बहुत देर कर दी सीबीआई ने। पहले इन्होंने गलत क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, तो इसीलिए कोर्ट ने पहले रिजेक्ट की। अब इस बार सीबीआई ने पूरे तत्वों के साथ ये चार्जशीट फाइल किया और चार्जशीट के बेसिस पे अब हमें पूरी उम्मीद है कि 6 जुलाई नेक्स्ट डेट है, 6 जुलाई को कोर्ट इस पर कॉग्निजेंस लेगी और टाइटल के वारंट निकलेंगे और जगदीश टाइटल को अरेस्ट किया जाएगा। नाउ पहले जो सज्जन कुमार और उसके साथ एक एक्स MLA को सजा हुई थी, एक एक्स काउंसलर को सजा हुई थी, वो जेल में है। जगदीश टाइटल बहुत जल्दी जेल में जाने वाला है। अब तीसरा रहता है कमलनाथ। कमलनाथ के अगेंस्ट भी हमारे पास बहुत स्ट्रांग एविडेंस है, मगर वो अभी तक उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अब हम जोर देंगे पूरा कि कमलनाथ के अगेंस्ट भी ट्रायल शुरू किया जाए। चार्जशीट के खिलाफ आज जो कार्रवाई हुई है, उसमें फाइल जो थी वो कंप्लीट नहीं थी, क्योंकि कड़कड़डूमा कोर्ट में सबसे पहली क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई थी और FIR की कॉपी भी इस फाइल में नहीं थी जो आज कोर्ट के सामने फाइल थी। तो कोर्ट ने IO से और PP से पूछा कि ये फाइल कड़कड़डूमा कोर्ट में अवेलेबल है, तो उन्होंने बोला, गोशवारा नंबर शेयर किए कि ये सारी फाइल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो कोर्ट ने स्पेशल मैसेंजर अपॉइंट किया है वो फाइल्स को लाने के लिए, और अगली तारीख 6 तारीख है। सर, जो एक FSL रिपोर्ट की बात हुई बीच में, कोर्ट ने कहा कि FSL रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है, तो वो क्या FSL रिपोर्ट? ये FSL रिकॉर्ड CD है जो उनकी स्टिंग हुआ था, जिसमें उन्होंने एडमिट किया कि मैंने इतने सिखों को मारा। तो दो उसकी रिपोर्ट्स थी। पहली रिपोर्ट ये थी कि क्या ये टेम्पर्ड है या नहीं है, तो वो रिपोर्ट आई है कि ये जो CD फाइल हुई है ये टेम्पर्ड नहीं है। और दूसरी जो ऑडियो की रिपोर्ट है कि भी वही इंसान है, क्योंकि उसके ऑडियो के सैंपल्स लिए गए थे जगदीश टाइटलर के, उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है। तो वो कोर्ट ने CBI को डायरेक्शन दी है कि जल्दी से जल्दी आप FSL के साथ फॉलो अप करके इस रिपोर्ट को कोर्ट में फाइल की। सिख दंगों के पीड़ितों का क्या कहना है, सुनिए। जज साहब ने 6 जुलाई का डेट डाला है और उन्होंने कहा कि 2007 से लेकर 2014 तक का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, मैंने सारी फाइलें पढ़ी हैं, वो कड़कड़डूमा कोर्ट में है। और उसके लिए उन्होंने थ्रू मैसेंजर उसको 6 जुलाई से पहले मंगवाने की बात करी है, और जो स्टिंग ऑपरेशन मैंने जमा कराए थे, दाखिल किए थे, उसके ऊपर उसके जो वॉइस सैंपल लिए गए थे जगदीश टाइटलर की, उसकी रिपोर्ट वेटेड है। तो वो भी उन्होंने PP को बोला है कि आज उस पर काफ़ी डिबेट हुई है स्टिंग ऑपरेशन पर, और उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द मंगवाया जाए। और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो जगदीश टाइटलर के लिए मुश्किल भरा होगा, कानून अपना काम करेगा।